आज जापान जाना है ना? भारत और जापान, अगर हम भारत और जापान संबंधों की बात करें तो पहले हमें भारत और जापान के संबंधों को ऐतिहासिक रूप से समझना होगा। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से समझने का मतलब कि प्राचीन भारतीय समय में भारत और जापान के मध्य के संबंध किस तरह के रहे हैं। ठीक है, तो भारत एक तरीके से वह देश है जहां बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और जापान में एक प्रमुख धर्म के रूप में बौद्ध धर्म मौजूद है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत और जापान के मध्य के संबंध ऐतिहासिक काल से रहे, और ये संबंध का जो निर्माण है वो 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुए है। अब इफ यू रिमेम्बर, अगर आप लोगों को याद हो तो अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की यात्रा शुरू करवाई गई थी, और उस धम्म विजय के अंतर्गत अशोक द्वारा विभिन्न देशों में धार्मिक यात्राएं करवाई गई थी, चाहे वो श्रीलंका कह लो या वो दक्षिण पूर्व एशिया कह लो या चीन कह लो या कोरिया कह लो। किंतु जापान के लिए अशोक द्वारा किसी भी तरह का बौद्ध मिशन नहीं भेजा गया। जापान में बौद्ध धर्म का प्रसार अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। ठीक है, भारत द्वारा चीन में बौद्ध मिशन भेजा गया, और चीन और दक्षिण कोरिया से बौद्ध धर्म प्रसारित हुआ जापान में। सो प्रत्यक्षतः भारत और जापान के बीच कोई संबंध नहीं रहा, किंतु बौद्ध धर्म की जो संबंध है, ठीक है, वो भारत और जापान के बीच बना रहा। और ऐतिहासिक साक्ष्यों को अगर हम देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो पांडुलिपियां हमें प्राप्त हुई है, या जो भी हमें साहित्यिक अवशेष प्राप्त हुए हैं नालंदा साहित्य के, वो ये दर्शाते हैं कि विभिन्न जैन, विभिन्न बौद्ध भिक्षु जो जापान के यात्री थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी में भारत और जापान के मध्य सांस्कृतिक संबंध स्थापित रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम मध्यकाल की बात करें तो ये संबंध सांस्कृतिक से ज्यादा कुछ नहीं रहे, और भारत और जापान के बीच संबंधों का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चरण हमें देखने को नहीं मिलता है। अब अगर हम आधुनिक काल में आ जाए तो आधुनिक काल में भारत और जापान के जो संबंध है उसे समझने के लिए हमें औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को समझना होगा, जहां एक ओर भारत अंग्रेज शासन के अधीन था, वहीं दूसरी ओर जापान जो है वो अलग साम्राज्यवादी देश के रूप में अपने अस्तित्व का विस्तार कर रहा था। ठीक है, मतलब भारत अंग्रेजों के अधीन, जापान साम्राज्यवादी, और जापान का ये साम्राज्यवाद मेजी की सरकार के बाद आया। मेजी की सरकार द्वारा जापान में औद्योगिक क्रांति करवाई गई, और उस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जापान की आर्थिक क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हो गई। और जब जापान की आर्थिक क्षमता में वृद्धि हुई तो 20वीं शताब्दी में जापान साम्राज्यवादी होना शुरू हो गया। ठीक है, विश्व युद्ध के समय पे हमने देखा कि किस तरीके से 1904 में जापान जैसे छोटे से देश ने रूस को हराया था। उसके बाद 1931 में जापान ने मंचूरिया पे कब्जा कर लिया। 1936 में जापान चीन पर कब्जा कर चुका था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही जापान अंग्रेजों के साथ टकराव की स्थिति में मौजूद हो गया था, क्योंकि चीन उस समय अंग्रेजों का ही एक उपनिवेश था। ठीक है, और 1936 में ही जापान द्वारा जर्मनी और इटली के साथ मिलकर एक
साम्यवादी गुट का निर्माण किया, एंटी कोमिंटर्न पैक्ट, जिसे हम पहले भी जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब अब क्या हो गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति निर्मित हो रही है उस परिस्थिति में एक और ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ है, वहीं दूसरी ओर जापान, इटली और जर्मनी है। ठीक है, और भारत मजबूरीवश अंग्रेजों के अधीन होने की वजह से अंग्रेजों के गुट में शामिल है। तो भारत और जापान के संबंध कोई निर्मित नहीं होंगे। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत से ही एक व्यक्ति भागकर जापान पहुंचेंगे, वहां उन्हें जापान की तरफ से सहायता प्राप्त होगी और फिर वो सिंगापुर आके आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन करेंगे, निर्माण नहीं। ठीक है, आजाद हिंद फौज का गठन किसी और ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ आजाद हिंद फौज की पुनर्संरचना की थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सो सुभाष चंद्र बोस जब 1940 में भारत छोड़ के गए थे, यहां से जर्मनी गए, जर्मनी से सोवियत संघ गए, सोवियत संघ से जापान गए। ठीक है, और फिर जापान ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जापान भारत का साथ देगा। और इसीलिए जब जापानी सेना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आगे बढ़ रही थी और दक्षिण पूर्व एशिया पे अब उसका कब्जा जमा लिया था, तो जो भी युद्ध बंदी थे सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में, उनके साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया। और उसके बाद आजाद हिंद फौज और जापानी सेना भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ना शुरू कर दी। 1943-44 में हालत ये था कि जापानी सेना म्यांमार क्रॉस करके आसाम की सीमा तक पहुंच चुकी थी, बट 42 के बाद परिस्थितियां बदल चुकी थी। पर्ल हार्बर जापान कर चुका था, उस पर्ल हार्बर हमले के परिणाम स्वरूप अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था, और अमेरिका के शामिल होते ही द्वितीय विश्व युद्ध का पूरा जो घटनाक्रम है वो बदल चुका था। अंततः 6 अगस्त और 8 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी के परिणाम स्वरूप जापान द्वारा आत्मसमर्पण करके द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। राइट, अब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ है तो जापान एक तरीके से हार चुका है। ठीक है, अब इस हारे हुए जापान के साथ क्या किया जाना है, इसका निर्धारण कौन करेगा? जो जीतता है वो जर्मनी के साथ, हम देख चुके हैं कि जर्मनी को बांट दिया गया था। ठीक है, जापान को पूरी तरीके से अमेरिका द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया। ठीक है, या एक तरीके से कहा जाए तो जैसे हम भूटान के बारे में पढ़ते हैं कि भूटान भारत का एक संरक्षी राष्ट्र है, उसी तरीके से 1945 के बाद से लेकर 1961 तक जापान अमेरिका का संरक्षी राष्ट्र था। जापान की विदेश नीति, जापान की रक्षा, जापान के संपर्क, सभी चीजें वो कौन निर्धारित कर रहा था? अमेरिका। राइट, बट इस दौर में भी भारत के आजाद होने से पहले ही भारत और जापान के संबंधों की, अच्छे संबंधों की नींव रख दी गई थी। क्यों? क्योंकि जब 1945 में युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद युद्ध को लेकर या युद्ध के दौरान किए गए अपराधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जब मामला पहुंचा था, उस स्थिति में भारत के एक न्यायाधीश राधा विनोद पाल, ये वो इकलौते व्यक्ति थे उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जिन्होंने जापान का समर्थन किया था। बाकी न्यायाधीशों का ये मानना था कि अगर युद्ध होता है और उस युद्ध में एक पक्ष विजयी और दूसरा पक्ष पराजित होता है,
तो जो विजयी पक्ष होता है उसके द्वारा न्याय निर्धारित किया जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बाकी न्यायाधीशों का मानना था। बट राधा विनोद पाल का मानना यह था कि किसी भी तरह की स्थिति में न्यायालय का काम होता है न्याय सुनिश्चित करना, और न्याय तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब दोनों पक्षों की बातें सुनकर निर्णय लिया जाए। और राधा विनोद पाल का इस तरह का व्यवहार या इस तरह का मत जापान के प्रति, जापान के मन में भारत और भारतीयों के प्रति एक अच्छी, या ये कह लिया जाए एक नया विश्वास कह लो, या एक अच्छी नीयत प्रदर्शित करता है। और वहां से जापान भारत को लेकर थोड़ा सा आश्वस्त हो गया कि भारत एक अच्छा मित्र साबित हो सकता है। किंतु हमने अभी क्या पढ़ा कि जापान 1945 के बाद से ही अमेरिका का संरक्षी था, तो 1947 में जैसे ही हम गुटनिरपेक्ष होंगे अमेरिका के साथ हमारे संबंध खराब होंगे, और क्योंकि अमेरिका का ही संरक्षी राष्ट्र है जापान, तो जापान के साथ हम क्या बेहतर संबंध बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो भारत और जापान के संबंध निर्मित नहीं होंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? बट 1952 में भारत जापान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करेगा, क्लियर? और इन राजनयिक संबंधों का परिणाम ये निकलेगा कि अगले ही वर्ष भारत जापान के साथ एक अलग से संधि करके शांति स्थापित करेगा। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को लेकर सभी देश ये मान रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जापान भी है, तो युद्ध का हर्जाना किसे देना होगा? जापान को भी देना होगा। और 1953 में भारत जापान के साथ अलग से समझौता करके कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह के हर्जाने देने की कोई जरूरत नहीं, कम से कम भारत को तो मत देना, ठीक है? ये प्रदर्शित करता है किस प्रकार भारत अपने संबंधों को जापान के साथ सुधारने की कोशिश कर रहा था, और न केवल कोशिश कर रहा था, इन संबंधों को समान स्तर पे लागू करने की कोशिश कर रहा था। किंतु बावजूद इसके, क्योंकि संरक्षी राष्ट्र होने की वजह से भारत और जापान के मध्य जो संबंध है वो बेहतर नहीं हो पाए। इतनी कहानी समझ में आ गई? चलो लिखो, फिर दोबारा समझाता हूं। साउंड प्रॉब्लम है ये, क्या बात है? साउंड बढ़ाओ भाई, बढ़ गया। तुम हो नहीं मतलब आज क्लास में। लिखिए, भारत और जापान के मध्य, भारत और जापान के मध्य संबंधों की शुरुआत, भारत और जापान के मध्य संबंधों की शुरुआत शीत युद्ध के परिपेक्ष में हुई, शीत युद्ध के परिपेक्ष में हुई, किंतु यह संबंध छठवीं शताब्दी ईस्वी से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से निर्मित रहे। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में जापानी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा
शिक्षा के प्रसार में जापानी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, सो ऐतिहासिक रूप से जो हमारे संबंध रहे हैं जापान के साथ वो सांस्कृतिक संबंध रहे। ठीक है, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर, क्योंकि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का प्रसार जो हुआ है जापान में वो भारत से हुआ है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अगला पॉइंट लिखोगा, आधुनिक काल में जहां जापान साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रहा था, आधुनिक काल में जहां जापान साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रहा था, वहीं भारत काल में जहां जापान साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रहा था, वहीं भारत ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में कार्य कर रहा था, ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में कार्य कर रहा था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनमें सुभाष चंद्र बोस प्रमुख है, जिनमें सुभाष चंद्र बोस प्रमुख है द्वारा द्वारा जापानी सेना के मदद से भारतीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई, भारतीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। इसके लिए जापान के सहयोग से युद्ध बंदियों के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज का गठन किया गया, युद्ध बंदियों के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। ठीक है, तो देखो हुआ क्या था, एक तरफ चीन है नजदीक में, जापान, ये रहा दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, अब 1936 में जापान चीन पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा तो जापान लड़ेगा, चीन जहां पर ब्रिटेन की कॉलोनी भी है, दक्षिण पूर्व एशिया जहां पर ब्रिटेन मौजूद है। ठीक है, उसी परिप्रेक्ष्य में भारत में 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव होगा, सुभाष चंद्र बोस जीतेंगे। ठीक है,
उसके बाद अगले साल फिर सुभाष चंद्र बोस जीतेंगे, बट पट्टा भी सीतारमैया की हार को यह कहा जाएगा कि गांधी जी की व्यक्तिगत हार है। इसी आधार पर सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को भारत में राजनीतिक सहयोग नहीं मिलेगा, तो सुभाष चंद्र बोस भारत से भागकर कहां चले जाएंगे? जर्मनी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस पूरी तरीके से ये चाहते थे कि किसी भी कीमत पर भारत की आजादी सुनिश्चित की जाए। उसके लिए चाहे किसी से भी बातचीत करना, चाहे तानाशाही से बात क्यों ना करना। जर्मनी उस समय हिटलर था, बावजूद इसके सुभाष चंद्र बोस तैयार थे हिटलर से बातचीत करने के लिए। जहां एक और गांधी और हिटलर बातचीत कर रहे थे, ठीक है, पत्राचार हो रहा था, सुभाष चंद्र बोस हिटलर का सहयोग मांगने पहुंच गए कि आप अंग्रेजों के खिलाफ भारत का समर्थन कीजिए। वहां से जब अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिला सुभाष चंद्र बोस को, तो सुभाष चंद्र बोस वहां से सोवियत संघ के रास्ते पहुंच गए जापान। यहां सुभाष चंद्र बोस को सहयोग मिला जापानी सेना द्वारा, ठीक है। और जब जापानी सेना आगे बढ़ते हुए दक्षिण पूर्व एशिया पहुंची, तो दक्षिण पूर्व एशिया में कौन लड़ रहा है? ब्रिटेन और जापान। और ये जो ब्रिटेन के सैनिक लड़ रहे हैं, ये वास्तविक रूप में है कौन? भारतीय सैनिक है, ठीक है। तो जब ये जापान ब्रिटेन को हराएगा, तो ये लोग क्या बन जाएंगे? युद्धबंदी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ठीक है। और इस युद्ध बंदियों के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे? आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन करेंगे, ठीक है। और अब आजाद हिंद फौज जापान की सेना के साथ मिलकर भारत की ओर प्रस्थान करेगी। और 1943-44 आते आते ये कहां तक पहुंच जाएगी? आसाम तक। ठीक है, मतलब विश्व युद्ध के दौरान भी भारत के कुछ वर्ग द्वारा या एक विशिष्ट समुदाय द्वारा जापान की सेना की मदद की गई। जहां गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कर रहे थे, भारत छोड़ो की बात कर रहे थे, ठीक है, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला, वहां सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र विद्रोह के द्वारा भारत को आजाद करवाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। बट इसके बाद हुआ क्या? विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, जापान उसमें हार गया, ठीक है। अब जैसे ही जापान हारेगा, तो अब तुम अगर हिस्ट्री से कनेक्ट करो, तो ये वो दौर था बेटा 1944-45 में, जब भारत में आजाद हिंद फौज के सैनिकों का को लेकर अभियोग चालू हुआ था, INA ट्रायल्स जिसे कहा जाता है। लाल किले में अभियोजन चल रहा था, ठीक है। तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है, एक सिख, एक मुस्लिम और एक हिंदू, ठीक है, अगर याद हो तो, नहीं याद हो तो इतिहास पढ़ लेना भारत का, ठीक है। तो ये वो सारी स्थिति निर्मित हो रही है, डन। बट इस परिपेक्ष में हम क्या कह सकते हैं? भारत और जापान के जो संबंध है वो पूरी तरीके से बेहतर भी नहीं है और पूरी तरीके से खराब भी नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ग भारत का जो है वो जापान का सहयोग कर रहा है, और बाकी जो वर्ग है जो सहयोग नहीं कर रहा वो जापान का दुश्मन भी नहीं है, राइट। तो जब युद्ध समाप्त होगा, बात चलेगी जापान को दंड देने की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जब मामला पहुंचेगा, उस स्थिति में भारत के ही एक न्यायाधीश क्या करेंगे? जापान का समर्थन करेंगे, ठीक है। लिखो अगला पॉइंट, नहीं बना अभी तक, मर्जी तुम लोगों की, ठीक है, मैं कर लिया करो बेटा साथ साथ में ना। लिखिए अगला पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जापान के विरुद्ध युद्ध के दौरान किए गए अपराधों के मामले में युद्ध के दौरान किए गए अपराधों के मामले में भारतीय न्यायाधीश राधा विनोद पाल द्वारा भारतीय न्यायाधीश राधा विनोद पाल द्वारा विजेता की शर्त, डबल इन्वर्टेड कोट में लिखना है, विजेता की शर्त के सिद्धांत का विरोध किया गया। विजेता की शर्त के सिद्धांत का विरोध किया गया। भारतीय न्यायाधीश द्वारा यह कहा गया कि युद्ध के परिणाम स्वरूप यह आवश्यक नहीं है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा हमेशा विजयी राष्ट्र द्वारा संधि शर्तों का निर्धारण किया जाए। विजयी राष्ट्र द्वारा संधि शर्तों का निर्धारण किया जाए। भारतीय न्यायाधीश द्वारा लिए किए गए इस व्यवहार को भारतीय न्यायाधीश द्वारा लिए गए इस निर्णय को भारतीय न्यायाधीश द्वारा लिए गए इस निर्णय को जापान में न केवल सराहा गया बल्कि भारत के प्रति एक मित्रवत व्यवहार की शुरुआत हुई। ठीक है, अगली लाइन लिखना।